तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ एक सैंपल रिपोर्ट्स फॉर्मेट्स की बात कर रहे हैं। हम आपको एक्सेल में आज फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। जैसे कि ये पैन कार्ड का फॉर्म बना हुआ है, तो ये तो आप थोड़ा सा लेंदी है, काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्म बना रहा हूँ। ये सिंपल फॉर्म कैसे बनाएंगे आपके सामने, मैंने अभी गूगल से इस फॉर्म को कॉपी किया है। तो चलिए इस फॉर्म को हम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लोगो है, तो लोगो तो भाई कॉपी पेस्ट ही होगा, लोगो तो बनना है नहीं, राइट सर? चलिए हम करते हैं। और हमने सबसे पहले इस कॉलम को, पहला कॉलम आप पहला कॉलम एंड पहला रो को मैं छोड़ देता हूँ मार्जिन के तौर पे। और यहाँ पे हम फॉर्म की साइज डिफाइन कर लेते हैं कि साइज फॉर्म की ए फॉर्म की साइज होगी, राइट? और इसको देखिए ग्रे कलर है, तो मैं हल्का सा इसमें ग्रे कलर कर देता हूँ, बस ज़्यादा लाइट हो गया। हाँ ये सही है, ये इसको भी कर सकते हैं, ये ठीक रहेगा। ये ठीक है, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपका लोगो है, तो मैं आप लोगो अपने हिसाब से इंसर्ट कर लीजिए, लेकिन चलो मैं लोगो को लिख देता हूँ यहाँ पे वर्ड आर्ट में जाके। तो वर्ड आर्ट में यहाँ पे है UCF और ये बोल्ड है, हमने इसको बोल्ड कर दिया। ये बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, तो इसके फिल कलर को मैं ब्लैक कर देता हूँ और इसकी टेक्स्ट कलर को मैं कर देता हूँ वाइट। यहाँ भी आपका वाइट है, आप इसका आउटलाइन भी वाइट हो गया, लेकिन इसका साइज काफ़ी ज़्यादा है, छोटा करूँगा तो दिक्कत होगा। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसी पे पेस्ट एज ए पिक्चर कर देता हूँ, राइट सर? पेस्ट ए पिक्चर करने के बाद हम इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है ना सर? जी हिसाब से छोटा वाला मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, तो बी कॉलम को छोटा करना पड़ेगा, तो तभी तो ये थोड़ा सा मार्जिन जो दिख रहा है आपको मार्जिन रहेगा। अब मैं इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं। आपका जरूरी नहीं है कि सेम हो, लेकिन हाँ उस माने कि जो फॉर्म उस तरह से हो। रिक्स असेसमेंट फॉर्म, और ये आपका है, तो मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अब नीचे आता हूँ, ये हमारा असेसर है, और इसको छोटा कर दूं। और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे टाइप होगा, मैं इसको मर्ज कर देता हूँ। मर्ज करने के बाद इसकी जो है आउटलाइन देता हूँ मैं यहाँ से, और फिर इसकी जो कलर है वो कलर मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेट दिया, लेकिन डेट इसे सटा हुआ है, हटना चाहिए। तो मैं इसको साइड कर दिया, हट गया। और ये हमारा डेट हो जाएगा, इस पे मर्ज किया और वाइट एंड बॉर्डर। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ असेसमेंट पूरा हमारा यहाँ तक है। देखिए साइड में पूरा पिक हो रहा है ना सर, मर्ज कर देता हूँ तो पूरा ये लग रहा है कि यही होगा क्या। तो मैंने कॉलम को, ये जो पहला वाला कॉलम है, इसको छोटा कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे इसको सेम फॉर्मेट यहाँ से कॉपी कर। बाद यहां पे आपका है
assessment और ये हमारा थोड़ा सा बड़ा है कर दिया और इसको कलर व्हाइट कर दिया ओके और उसके बाद अब इसे इसको थोड़ा सा छोटा कर दीजिए और पूरे इस एरिया को इसके दो पार्ट होंगे ना हम पहले मर्ज कर दिन लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 6 और 6 आएंगे तो यहाँ पे 1 2 मैंने यहाँ पे बॉर्डर कर दिया और फिर मैंने इसको 3 यहाँ पे बॉर्डर कर दिया यहाँ पे मुझे एक यहाँ से छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा ठीक है सर देखना ना कैसे बन रहा है यहाँ पे हम देते हैं एरिया बड़ा हो गया ना सर क्योंकि ये 14 है इसकी साइज मैं छोटा करता हूँ 7 में हाँ 7 कर दिया और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ठीक है अब यहाँ पे आ गए 3 चाहिए 1 2 3 काफी है नहीं 3 तो बीच में गैप भी है सर तो यहाँ से इसको लेते हैं इसको थोड़ा छोटा यहाँ से इसको छोटा करते हैं करते हैं थोड़ा सा गैप और होगा कम गैप होगा इसमें आते हैं ये आपका यहां पे आ जाता है फैकल्टी साइज छोटा 8 और फिर इसमें हम दो अब इसमें एक को मुझे एक और यहां पे इंसर्ट करके और इस पर एफ वाले को छोटा करना है तभी जब इसको करेंगे तभी ना ये आपको कलर होगा ठीक है सर और फिर इसको छोड़ के हम नीचे आते हैं और नीचे हम क्या करते हैं ये आपका डिपार्टमेंट है इसको भी साइज हम कर देते हैं 8 और इसका भी सेम ऐसे ही करते हैं लेकिन अब यहां पे इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि इन दोनों के गैप बीच में गैप थोड़ा सा दिखे अब इसका भी डिपार्टमेंट यहां पे आते हैं यहां आते हैं ग्रुप ग्रुप साइज हम ठीक है सर समझ में आया यहां भी सेम इसी तरह से आपका लोकेशन
से हम अपनी फॉर्म को बनाते हैं और फॉर्म की जरूरत क्यों है, हमने आपको इस बारे में बता दिया कि फॉर्म की जरूरत क्या है और फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इसमें भी एक एक रो हम यहाँ पे एक रो और ऐड करेंगे और उस रो को हम काफी छोटा ठीक है सर। इतना छोटा कीजिए यहाँ पे जगह गैप देने के लिए और यहाँ पे हम देते हैं। हंसुमान जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी ठीक है सर। ये फॉर्म डिजाइनिंग हम बता रहे हैं क्योंकि तो किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए पहले उसकी डिजाइन तैयार करना होता है सर। तो रिपोर्ट ऑटोमेशन का सबसे बड़ा ये रूल है, इसका याद हमेशा रखिएगा कि जब तक आप उसकी डिजाइन को तैयार नहीं करेंगे, और डिजाइन तैयार करना आपको बखूबी आना चाहिए। देख रहे हैं कि किस तरह से हम फॉर्म को डिजाइन कर रहे हैं और जैसा उसी तरह से बन रहा है। हालांकि ये जो फॉर्म बना हुआ है वो किसी फॉर्म बनाने वाली सॉफ्टवेयर से बना हुआ है, लेकिन हूबहू फॉर्म हम एक्सेल में बना रहे हैं, एक्सेल में बना रहे हैं। ठीक है सर, क्या सर आपको? तो इसी तरह से हम कोई फॉर्म को अपने हिसाब से डिजाइन करते हैं। हाँ सुमन जी, अभी तो आई थी, अभी नहीं आ रही है सर। क्या करेंगे? हाँ नहीं, शॉर्टकट कोई की यूज नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल, तो माउस से ही कर रहा हूं। आप क्लास लेट ज्वाइन किए हैं, अभी समझ में नहीं आ रहा, इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा समझ में आ जाएगी। सर क्लास के बाद डिस्कस करें, क्लास में हूं सर, क्लास के बाद डिस्कस करते हैं, क्लास में सर। ठीक, क्लास डिस्टर्ब हो रही है सर, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। तो यहां पे आ रहा है ना सर अमित जी आपको? हेलो। तो अब जैसे कि आपके सामने ये रिपोर्ट आपके सामने हमने बनाया, राइट? अब आपको इसी तरह का रिपोर्ट तैयार करना है, इसी तरह का एक फॉर्मेट तैयार करना है सर। यस तो अभी जैसे पेन कार्ड फॉर्म है, पेन कार्ड फॉर्म ले लीजिए, कोई और फॉर्म है, और कैसे बनाएंगे, मैंने एक झलक आपको यहाँ पे दे दिया कि हम कैसे बना रहे हैं। मुझे पूछ बस थोड़ी सी स्किल्स लगानी है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ कि भाई यहाँ पे इसकी यहाँ पे लाइन छोटी होनी चाहिए थी, तो थोड़ा सा छोटा करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा छोटा हो गया, गैप कर दिया, बॉर्डर दे दिया।
है, और इस तरह से यहाँ भी मेंबर को लिखेंगे और यहाँ पे भी लिखेंगे, और जहाँ दिक्कत हो जैसे लग रहा है कि काफ़ी छोटा हो गया है तो एक रो और इंसर्ट कर दीजिए, और उसको थोड़ा सा ऐसे मान लीजिए कि ये थोड़ा छोटा हो गया है फॉर्म, तो एक रो इंसर्ट और कर दीजिए, और यहाँ पे इसको मैं इकट्ठा मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पे ही कर देता हूँ, हो गया। अब इसको हल्का हल्का छोटा कर दीजिए, ठीक है, और बाकी सबको फिर से मर्ज, ये फिर से आपको छः साल करना पड़ेगा सर, है ना सर, हो गया। थोड़ा सा बाद में भी आपको थोड़ी सी शेरखानी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऊपर से नीचे ऐड हो रहा है कॉलम, तो उसके अकॉर्डिंग भी तो आपको चलना है ना, तो फाइनल करके भी एक बार और आपको देखना पड़ेगा ताकि वो साइज वगैरह सब कुछ बराबर है। तो इस तरह से फॉर्म बना के मुझे भेजिए, ठीक है, मिलते हैं कल सेम टाइम, ठीक है ओके सर, बाय। बाय।